आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे अब्राहम लिंकन के जीवन के बारे में। मेरी सबसे बड़ी चिंता ये बिल्कुल नहीं है कि आप असफल रहे या नहीं, बल्कि मेरी सबसे बड़ी चिंता ये है कि आप अपनी असफलता से संतुष्ट हैं या नहीं। ये बोल थे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के, जिनकी बदौलत अमेरिका सबसे बड़े गृह युद्ध से उभरा और दास्ता कानून खत्म हुआ। अब्राहम लिंकन का जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक है। फरवरी 1809 को अमेरिका के केंटुकी में एक नीग्रो फैमिली में थॉमस लिंकन और नैन्सी के यहाँ अब्राहम लिंकन जन्मे। उनके वंशज इंग्लैंड से थे, जो न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और वर्जीनिया में बस गए थे। लिंकन के दादा कैप्टन अब्राहम लिंकन 1780 में वर्जीनिया से केंटुकी आए थे। लिंकन बचपन से ही ज्यादा मेहनती नहीं थे और लोग उन्हें आलसी कहते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्कूल के बजाय आसपास के लोगों से हुई, इसलिए वो जल्द ही काफी पढ़ लिख गए। 9 साल की उम्र में उनकी माँ चल बसी और पिता ने दूसरी शादी कर ली। हालांकि उन्हें सौतेली माँ बहुत प्यार करती थी। वो कहते थे, All that I am or hope to be, I owe to my angel mother. उनके पेरेंट्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए लिंकन की प्रारंभिक शिक्षा ठीक से नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे वकालत की डिग्री हासिल कर ली। 17 साल से लेकर 21 साल की उम्र तक लिंकन नाव पर काम करते रहे और बाद में ऑरलैंस लौटकर एक दुकान में नौकरी करने लगे, जहां से उन्हें राजनीति की समझ आने लगी। लिंकन का एक वाक्य काफी फेमस है। लिंकन एक बार अपने पड़ोसी से अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी लाए, लेकिन वापस करते वक्त किताब बारिश में भीग गई। लिंकन गरीब थे, इसलिए किताब के पैसे नहीं दे सकते थे। ऐसे में उन्होंने उस पड़ोसी के खेत में मजदूरी कर किताब के पैसे चुकाए। लिंकन जब 24 साल के थे तो उन्हें रुटलेज से प्यार हुआ, लेकिन बीमारी से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद साल 1842 में लिंकन की शादी मैरी टॉट से हुई। मैरी ने 4 लड़कों को जन्म दिया, लेकिन इनमें से रॉबर्ट टॉट को छोड़कर बाकी सब ही 18 साल से कम उम्र में ही मर गए। इससे लिंकन काफी टूट गए थे। हालांकि धीरे धीरे उन्होंने खुद को और अपने परिवार को संभाला। उसके बाद वो सक्रिय राजनीति में आए और कई चुनाव लड़ने के बाद 1860 में प्रथम रिपब्लिकन के तौर पर 16वें अमेरिकी राष्ट्रपति बने। उससे पहले वो वकील, लेजिस्लेटर, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य रहे। लिंकन को गुलामों पर होने वाले अत्याचारों से सख्त नफरत थी और वो दास प्रथा खत्म करना चाहते थे, और ऐसा उन्होंने अपने कार्यकाल में किया भी। लिंकन कहते थे, किसी के पास इतनी अच्छी याददाश्त नहीं होती कि वो अच्छा झूठा बन सके, इसलिए झूठा बनने से बचें और दूसरे को झूठा बनाने से भी। वो कहते थे, अगर आप अपने लोगों का भरोसा तोड़ते हैं तो वो कभी आपका सम्मान नहीं करेंगे। लिंकन अपने उन क्लाइंट से अधिक फीस नहीं लेते जो उन्हीं की तरह गरीब थे। एक बार उनके एक क्लाइंट ने उन्हें $25 भेजे तो लिंकन ने उसमें से $10 ये कहकर लौटा दिए कि मुकदमे में केवल $15 ही खर्च हुए थे। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल को मानने वाले लिंकन बड़े ही विनम्र थे। लिंकन एक बार एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब भाषण के बीच एक महिला उठी और कहने लगी, अरे ये कब राष्ट्रपति बन गया, ये तो हमारे गांव के मोची का लड़का है। ये सुनकर लिंकन ने विनम्र शब्दों में कहा, मैडम आपने बिल्कुल सही कहा, मैं उसी मोची का बेटा हूँ। आपने बहुत अच्छे से मेरा परिचय लोगों से करवाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तब लिंकन ने महिला से पूछा, मैडम मेरे पिताजी ने आपके चप्पल जूते की मरम्मत ठीक से तो की थी ना, उनसे आपकी कोई शिकायत तो बाकी नहीं। महिला हड़बड़ाकर बोली,
बिल्कुल नहीं, वो अच्छे से अपना काम करते थे, उनसे कैसे किसी को कोई शिकायत रहेगी। लिंकन आगे बोले, आप लोगों ने मुझे राष्ट्रपति बनाया, मैं भरोसा दिलाता हूँ जैसे मेरे पिता से कोई शिकायत बाकी नहीं रही, वैसे ही मैं भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। हालांकि शुरुआती असफलताओं के बीच लिंकन का एक समय ऐसा भी था जब वो डिप्रेशन में थे और चाकू छुरियों से दूर रहते थे। उन्हें डर लगता था कि कहीं वो खुद को मार ना ले। अब्राहम लिंकन असफलता से कभी निराश नहीं हुए थे। वो अपनी उम्र के 21वें साल में वार्ड मेंबर का चुनाव हार गए, 22वें साल में शादी करने में असफल हुए, 24वें साल में बिजनेस में असफल रहे, 27वें साल में पत्नी ने तलाक दे दिया, 32वें साल में सांसद का चुनाव हार गए, उम्र के 37वें, 42वें और 47वें साल में भी वो चुनाव हारे, लेकिन 52 साल की आयु में वो आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति बन ही गए। उन्होंने एक बार कहा था, जब मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो अच्छा अनुभव करता हूँ और जब बुरा करता हूँ तो बुरा अनुभव करता हूँ, यही मेरा धर्म है। 4 मार्च 1865 को लिंकन को दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया, लेकिन 14 अप्रैल 1865 को कुछ लोगों ने धोखे से लिंकन पर गोली चला दी, जिसके चलते 15 अप्रैल 1865 को उनकी मौत हो गई और अमेरिका के एक महान युग का भी अंत हो गया। साथ ही फिर कभी ना भरी जा सकने वाली क्षति इस दुनिया को हुई। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया की न्यूज़ सबसे पहले जानने के लिए डाउनलोड करें शॉर्टपीडिया ऐप, जो आपको सभी खबरें 70 शब्दों में बताएगी और साथ ही आप ये खबरें सुन भी सकते हैं। धन्यवाद।